मेघा प्रोजेक्ट जो भारत को करने वाला है मालामाल, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में सालों से सोचा जा रहा था पर इस पर अमल नहीं हो पा रहा था, पर अब यह रियलिटी के एकदम करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, भारत समंदर में एक पाइप बिछा रहा है, वो भी छोटी मोटी पाइप नहीं, पूरे 1400 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 2 मील गहरा। समझ रहे हैं आप, 1400 किलोमीटर लंबा और 2 मील गहरा। जमीन में नहीं दोस्तों, समंदर में। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत एक अंडर वाटर, अंडर सी, 2 मील समंदर की गहराई में डालकर के फिर 1400 किलोमीटर जो है वो लंबी पाइपलाइन बिछाने वाला है। भारत से लेकर ईरान तक बिछाई जाने वाली है ये पाइपलाइन। इसके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी AZA, जिसे सीज कहा जाता है, साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, दुनिया की लीडिंग कंपनी जो गैस पाइपलाइन बनाती है, और भारत इसे हायर करने वाला है देश की गैस पाइपलाइंस के लिए। और दूसरी चीज, ईरान भारत की इस बेहतरीन एम्बिशियस परियोजना के लिए दुनिया में इतनी लंबी गैस पाइपलाइन आज तक नहीं बिछाई गई है दोस्तों। और इसका फायदा क्या होगा सुनकर के आप हिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गैस स्टेशंस बैठाने के लिए स्नैम का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट काफी जबरदस्त रहेगा। ये यूरोप की बेहतरीन प्रीमियर, ये वर्ल्ड की बोलना चाहिए, सबसे प्रीमियर कंपनी है जो इस फील्ड में काम करती है गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो भारत में अगर ये गैस आएगी तो सबसे पहले कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी और कंज्यूमर्स से होगा मुनाफा भारत सरकार को, और हमें भी कम दाम में ये चीज खरीदने को मिलेगी। और ईरान से डायरेक्ट सप्लाई आ रही है तो काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है ये जबरदस्त साबित हो सकता है भारत के लिए। बात करें इसकी डेली गैस ट्रांसफरिंग कैपेसिटी की तो 31.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो है ये गैस डेली जो है सप्लाई करती। और इसका कंस्ट्रक्शन टाइम हम आपको बता चुके हैं, 2 इयर्स तो कम से कम लगेंगे। गैस सेल एंड परचेस एग्रीमेंट, जिसे GSPA कहा जाता है, जिस दिन ये साइन हुआ उसके 2 साल के अंदर ये बन जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताएं, जो मैसिव जो प्लान बनाया गया है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा देश है। यहाँ कंज्यूमर्स काफी मात्रा में है, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इतने सारे, 140 करोड़ हमारी आबादी, तो यही हमारे कंज्यूमर हैं। तो बाहर की कंपनी करे उससे अच्छा हम करेंगे। तो भारत सरकार वहां से खरीद रही है, ईरान से गैस सप्लाई चेन को सेटल करने के लिए बाहर की वर्ल्ड क्लास कंपनी को बुलाया जा रहा है ताकि वो कोई फॉल्ट ना छोड़े। इस पाइपलाइन की जो सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ भारत ईरान पहुंचने के लिए सड़क मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लैंड मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि समंदर से जा रहा है, अंडर वाटर केबल बिछा रहा है, जिसके लिए वो वर्ल्ड क्लास कंपनियों को इन्वाइट करके इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लगा करके इन पाइप्स के माध्यम से ईरान से गैस खरीद रहा है, लिक्विड नेचुरल गैस। इसमें फायदा ये हो रहा है कि हम सीधे सीधे पाकिस्तान को काट दे रहे हैं। नॉर्मली जो गैस पाइपलाइन बिछाई जाती है उस जो है जमीन के ऊपर बिछाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने प्लान किया है यह दूरगामी सोच के साथ प्लान किया है। इससे कभी भी इनकी सप्लाई बाधित नहीं होगी, अगर लैंड से जाती तो कभी कोई डिस्प्यूट होता तो बाधित हो सकती थी। सबसे बड़ी चीज, अंडर वाटर आज तक कभी किसी ने इतनी लंबी जो है पाइपलाइन नहीं बिछाई है और भारत अग्रणी होने वाला है। भारत और ईरान का ये प्रोजेक्ट बेहद बड़ा होने वाला है, $4.5 बिलियन का इसमें खर्चा बताया जा रहा है, इसका बजट बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इससे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। ये बताया जा रहा है हर साल 1 बिलियन तो भारत सिर्फ बचाएगा। कमाने की बात अलग है, और हम सब जानते हैं कि भारत कितना बड़ा बाजार है, कितना बड़ा यहाँ की जो कंज्यूमर की स्ट्रेंथ है कितनी ज्यादा है, यहाँ पर तादाद काफी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में भारत इस गैस को सिर्फ अपने ही लोगों में बेचे अगर तो भी काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा ईरान पहुंचने के लिए। ईरान टू इंडिया डायरेक्ट कनेक्शन है, और इसके लिए काफी ब्राइट माइंड्स ने डेफिनेटली काम किया है, तभी उन्होंने लैंड जो इलाका है उसको नहीं चुना, अंडर वाटर चुना, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड उस कंपनी को चयन किया जो कि इस फील्ड में काम करने की महारथी है। अंडर वाटर केबल्स में दोस्तों एक नया एरा आने वाला है। भारत में इस बेहद बेहतरीन मेगा प्रोजेक्ट के बाद भारत बहुत जल्दी जो है एनर्जी सफिशिएंट बनने की अपनी राह में पहला कदम बढ़ा चुका होगा। ये बात सही है कि इस पूरे पाइपलाइन के दौरान काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पाइपलाइन जो है वो एक ऐसी अंडर वाटर फॉल्ट लाइन, यानी कि समंदर की सतह में एक ऐसा ही दरार है।
अंडरवाटर फॉल्ट लाइन जिसे कहा जाता है। उसका नाम है ओवन फ्रैक्चर जोन। इस ओवन फ्रैक्चर जोन से पाइपलाइन इसके ऊपर से निकलने वाली है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ भूकंप आते हैं। भूकंप प्रोन इलाका है, साइज एरिया साइंसिकली एक्टिव एरिया है, तो इसमें इंजीनियर्स जो है बेहतरीन काम कर रहे हैं भारत के, और डेफिनेटली वो इस इंजीनियरिंग मार्वल को सही साबित करके दिखाएंगे। और इस सेइसमिक एरिया का कोई असर इस पाइपलाइन पे सालों साल तक नहीं होगा, ऐसी हमारी कामना है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने तक बिल्कुल सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।